हेलो, मेरा नाम सौरभ गोयल है, मैं मुरादाबाद से हूँ। अच्छा, हाँ जी। कहाँ रहते थे वहाँ? मैं यूक्रेन में रहता था, टर्नोपिल में। अच्छा, हाँ जी। क्या माहौल है वहाँ पे? माहौल बहुत खतरनाक है, रशिया ने सब तरफ से घेर रखा है, अटैक पर अटैक कर रहा है। खारकेव और कीव की ज्यादा स्थिति खराब है। यहाँ की स्थिति जिधर मैं था वेस्ट साइड में, उधर कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। अच्छा, हम लोग निकल लिए थे वहाँ से 26 में निकले थे वहाँ से। अच्छा, हाँ जी। और हमें फिर शेल्टर में रखा गया था। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसे यहाँ पे जो है इंडियन एम्बेसी ने सारा इंतजाम कर रखा था। अच्छा। वहाँ पर शेल्टर बनाए हुए थे, स्टेडियम थे, तो वहाँ पे सब रहने खाने पीने का सब इंतजाम था। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मिलता था हमें टाइम टू टाइम, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। नहाने का भी सब इंतजाम था वहाँ पर, और क्लोथ्स भी दिए थे हमें, सॉक्स भी दिए थे, जो हमारी एसेंशियलिटी थी सब पूरी करी गई थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। आपको यूक्रेन से रोमिया पहुँचने में कितने दिन का वक्त लगा? हमें 17.5 घंटे लगे बाय बस। अच्छा। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद, बॉर्डर क्रॉस हमने खुद ही करा था, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रश में थे, बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए मतलब आगे पीछे धक्का मुक्की हो रही थी, तो वो तो अपने ऊपर था। फिर उसके बाद जब यूनिवर्सिटीज़ ने अपने अपने एजेंट बुलाए थे, उसके बाद सब ने अपना अपना इंतजाम करा था, और फिर नोटिस लगाया था, तो सीरीज वाइज निकाले गए थे वहाँ से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? वैष्णवी। वैष्णवी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? यहाँ महाराष्ट्र की। यूक्रेन में आप कहाँ रहती थी? अच्छा, क्या वहाँ क्या करती हैं आप? MBBS कर रही थी। कब से वहाँ पे हालात खराब होने लगे आप लोगों के? पहले तो हालात ठीक थे, लेकिन उसके बाद कॉलेजेस ऑनलाइन नहीं हो रहे थे। अच्छा। हम लोग इसलिए निकल नहीं पा रहे थे बाहर, लेकिन जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए तब ऑनलाइन हो गए कॉलेज, तो तब तक तो एयर भी एयर फ्लाइट वगैरह बंद हो चुके थे, तो निकलना मुझे पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए बहुत मुश्किल हुई है। और बॉर्डर के बाद, बॉर्डर के पार तो कंडीशन अच्छी है, ठीक अच्छा किया जा रहा है, लेकिन जब तक बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहे तब तक हालात बहुत ख़राब। बॉर्डर तक आप जो कैसे पहुंची, कैसे क्रॉस किया था? जी, हमने तो हमारी प्राइवेट टैक्सी कराई थी, लेकिन जैसे हालात में फीस वगैरह नहीं, हालात बहुत खराब है, तो वहाँ पे स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट जा रही है, बोल रहे हैं सब बसेस वगैरह लेकर जा रहे हैं, ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, आयशा आप यहाँ कहाँ रहती हैं? इंडिया में? केरला में रहती हूँ। केरला में। और यूक्रेन में आप कहाँ रहती थी? विनिचिया नेशनल। अच्छा, ओके। आप लोगों के लिए वहाँ चीज़ें कब से मुश्किल होनी शुरू हो गई? 24 से। ओके। हवा बहुत साइरन चलने लगी थी, और हम 25 में बाइक में लगी, और इस सारी रेज में हम शेल्टर में था, और आज ही फ्लाइट में थी, बहुत अच्छा लगा इंडिया वहाँ पे। ओके, 8 दिन आप बताएं, 24 से मुश्किल थे, तो 8 दिन हो गए इस बात के, लगभग 6 दिन। बहुत मुश्किल थी, बहुत इंजर्ड थी, अभी अभी भी इंजर्ड है, हम अगर वापस जाते सब देखते हैं डॉक्टर को। तो आपको कब पता लगा कि आज आप फ्लाइट में बोर्ड कर रहे हैं? हम बाहर एक लोगों को बता दिया बहुत इंजर्ड है, आपको जाना ही पड़ेगा। क्या हो गया, आपने कैसे चोट लग गया? अच्छा, बॉर्डर पे आप देख रहे, फैमिली को आपने बता दिया? फैमिली ऑब्वियसली। हाँ, वो लोग बहुत परेशान हैं इसलिए। अब तो परेशानी दूर हो गई होगी? हाँ, बहुत बहुत। आपकी भी परेशानी दूर हो गई होगी? हाउ वाज द फ्लाइट? थैंक यू। थैंक यू। ABP माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।